बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर के साथ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट चार्टर क्या चीज़ है और ये किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, ये आज के इस लेक्चर में हमारे डिस्कशन में आएगी। स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोजेक्ट जब डिसाइड होता है, उसको बनाना है, उसको मैनेज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अटैच हो जाती है या बहुत सारा काम ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। तो इस मैनेजमेंट में या इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है और कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स होते हैं जो स्टेप्स की शक्ल में सामने आते हैं, जिनको करना पड़ता है, और उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सनैलिटीज की भी ज़रूरत पड़ती है। लोगों को ऑथराइज करना पड़ता है कि इन्होंने ये काम करना है। तो इस मकसद के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन सामने हमारे आती है, उसको हम प्रोजेक्ट चार्टर का नाम देते हैं। अगेन, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, उसके इनिशिएटिव प्रोसेस को मैनेज करना और उसमें ऑथराइज करना पर्सनैलिटीज को, इस मकसद के लिए हम जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट चार्टर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट चार्टर है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही आगे जो फर्दर काम होने हैं और किसने करने हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन करके देखते हैं, यहाँ पे वो क्या कहता है। प्रोजेक्ट चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट दैट फॉर्मली रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑन द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, दो चीज़ें यहाँ पे, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने बात की है कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो इस चीज़ को वाजे करता है, इस चीज की पहचान करता है कि प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए डायरेक्शंस क्या है, कौन से सिग्नल है जिस तरह हम जाके प्रोजेक्ट को डिवेलप कर सकते हैं। यानी ये डॉक्यूमेंट है जिसमें एक तो इस बात का पता चलता है कि कोई प्रोजेक्ट मौजूद है जिसपे काम होना है, और दूसरा कि प्रोजेक्ट जो डिवेलप होना है और जिसको हमें मैनेज करना है, उसकी डायरेक्शंस क्या हमें किस सिग्नल पर लेके चलना है। उसमें मजीद, इट ऑथराइज द प्रोजेक्ट मैनेजर टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बात में पहले बात की थी कि कुछ लोगों को ऑथराइज किया जाता है, कुछ लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कि इस प्रोजेक्ट के डिवेलपमेंट में वो चीज़ों को इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। तो इस प्रोजेक्ट चार्टर में भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, उसको ऑथराइज किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए चाहिए होते हैं, उनको मैनेज करें, उनको यूटिलाइज करें। अब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? स्टूडेंट्स, ये वो पर्सनालिटी है जो प्रोजेक्ट डेवलपिंग टीम के ऊपर एज ए सुपरवीन के तौर पे काम कर रही है और जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होने हैं, उनको एलोकेट करना, उनको मैनेज करना, उनको उनकी सुपरवीन करना और डेवलपिंग टीम के साथ कोऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस प्रोजेक्ट मैनेजर की। आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट डिवेल्प किया जाता है, ये इस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर सुपरवीन में उसको डिवेल्प किया जाता है। अब मजीद, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, द प्रोजेक्ट मैनेजर विल प्रोवाइड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग द प्रोजेक्ट चार्टर। अब जो प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप किया जाता है, उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर का मेजर रोल है। अब यहाँ पे मजीद वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर, सब ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट प्रोजेक्ट यूजिंग अ सिंपल लेटर ऑफ एग्रीमेंट। अब बाज ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो प्रोजेक्ट चार्टर की बजाय एक सिंपल लेटर यूज कर लेती है जिसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट डिवेलप होना है। तो जो चार्टर की बजाय एक सिंपल लेटर को भी यूज किया जाता है कि इससे प्रोजेक्ट जो है वो डिवेलप हो जाए।
और बाज बड़े लंबी डॉक्यूमेंटेशन को यूज करते हैं, और बाज एक फॉर्मल कंट्रैक्ट्स को भी यूज करते हैं। स्टूडेंट कंट्रैक्ट्स ये आएगा फर्दर लेक्चर में, हमने बात करनी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सी व्यूज कर लेते हैं कि कंट्रैक्ट वो होता है कि जब आउटसोर्सिंग की जाती है किसी से, बैंक से सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट ली जाती है, हायर की जाती है, तो उनके साथ कंट्रैक्ट किया जाता है कि कितने पीरियड के लिए कितनी सर्विसेज के साथ और कितने मतलब के साथ ये हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल होगी, उस इस एग्रीमेंट को हम कंट्रैक्ट कराने, तो उसी कंट्रैक्ट के हिसाब से फिर ये काम आउटसोर्सिंग का जो फंक्शनैलिटीज हैं, ये उसकी जो पेमेंट होनी है, ये उसकी जो ड्यूरेशन ड्यूरेशन है वो उसी हिसाब से चलती है। तो दिस इज द प्रोजेक्ट चार्टर, यानी ये डॉक्यूमेंटेशन है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट की एग्जिस्टेंस और रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज को अथोराइज किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर। स्टूडेंट्स अगर हम प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर्स को देखें तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, और प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर्स जो है वो जब साइन करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर को तो उनको पता होता है कि हमारी क्या कौन सी जरूरियात है और किस चीज पे हम ये साइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आप जो चार्टर है की आउटपुट ऑफ द इनिशिएशन प्रोसेस, यानी आप ये कह लें कि जो प्रोजेक्ट चार्टर है उस चीज की बुनियाद बन जाता है कि प्रोसेस होना है, और जो प्रोसेस होना है ये उसकी शुरुआत जो है ये प्रोजेक्ट चार्टर है। जब ये साइन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई काम अब शुरू करना है। जो भी बंदा इस प्रोजेक्ट चार्टर के ऊपर साइन करेगा तो वो उसको पता होगा कि अब हमने काम करना है। तो इसी तरह ये सारी चीजें जो है वो उसमें उसको शामिल है। अब प्रोजेक्ट चार्टर में क्या क्या चीजें शामिल हैं ये यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ऑफ द वर्क ये चीज है कि ये वो डॉक्यूमेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि ये वो स्टेटमेंट है जो जिसमें इस चीज को बयान किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट टीम है उसने क्या चीज बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, कौन सी सर्विस बनानी है, किस सर्विस को वो डिजाइन कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, ये जो चीज है वो इस प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द वर्क में इस चीज को मेंशन कर दिया जाता है, यानी काम क्या करना है ये चीज जो है वो प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क में इस चीज को मेंशन कर दिया जाता है। इसमें मोस्टली जिस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है वो बिजनेस नीड्स है, प्रोजेक्ट की बिजनेस नीड्स है, या रिक्वायरमेंट्स की समरी है, या प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स है, यानी तीन चीजें इसमें मोस्टली मेंशन की जाती है, बिजनेस नीड्स, रिक्वायरमेंट्स की समरी एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, और साथ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें शामिल है, जैसे अप्रोप्रिएट पास ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान। स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक प्लान ये होता है कि हर कंपनी जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करेगी उसकी अपनी एक प्लान है, उसका अपना एक काम करने का तरीका है, वो जो वो काम करेगी जो प्रोजेक्ट उसने डेवलप करना उसके लिए जो भी तरीका कार्य तैयार कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, अपने फायदे और नुकसान को सामने रखते हुए काम कर रही है, उसी उसी प्लानिंग के हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्लान है, वही उसका स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसी के हिसाब से इसमें काम करना है। तो ये सारी चीजें जो है इस प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क में ये चीजें शामिल है। नंबर 2, अब बिजनेस केस, थोड़ा सा ये चैप्टर नंबर 3 में भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो रिक्वायर करते हैं बिजनेस केसेस को, ताकि इस चीज को पता चल सके कि जो है वो जो चीज जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, कैसे हो रही है। अब इसमें क्या चीजें शामिल, प्रोजेक्ट का बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव शामिल है,
हाई लेवल रिक्वायरमेंट शामिल है, टाइम पास शामिल है, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। बिजनेस नीड्स में, इन बिजनेस केसेस में ये चीजें शामिल है। यानी प्रोजेक्ट किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके गोल क्या है। हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, हमसे यूजर जो कस्टमर हमसे प्रोजेक्ट डिवेलप करवा रहा है, हमसे बनवा रहा है, उसकी हाई लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस इस प्रोजेक्ट पे टाइम कितना लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है इस प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर मेंशन की जाएगी। नंबर थ्री, अ कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बड़ी अहम चीज है जी। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस केस, सॉरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, जब भी आउटसोर्सिंग की जाती है, एक्सटर्नल कोई वर्क लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि कितने टाइम के लिए हमें सर्विसेज प्रोवाइड हो। तो प्रोजेक्ट चार्टर में इस चीज को भी मेंशन किया जाएगा कि कहां से कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए किया जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की है। इफ यू आर वर्किंग अ प्रोजेक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एक्सटर्नल कस्टमर, द कॉन्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड मच ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर क्रिएटिंग अ गुड प्रोजेक्ट चार्टर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, के यहाँ पे उसने बात की है कि अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो आप किस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चार्टर में शामिल होनी चाहिए। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट चार्टर में लाजमी तौर पर। बहुत जगह यह भी होता है कि चार्टर की जगह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ही यूज कर लिया जाता है, तो लिहाजा बाज कॉन्ट्रैक्ट काफी मुश्किल होते हैं पढ़ने में और उसमें चेंज करने में। तो बेहतर ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की जगह प्रोजेक्ट चार्टर को इस्तेमाल करें। यानी चार्टर की जगह कॉन्ट्रैक्ट को भी यूज करती है बाज कंपनी, लेकिन बेहतर यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की जगह चार्टर को ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको चेंज करना ये मसला सॉल्व होते हैं, प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप अगर चार्टर को यूज करेंगे तो उसको चेंज करना या उसको पढ़ना ये आपके लिए मसला नहीं होगा। एंटरप्राइज एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्टूडेंट्स एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर ये इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोजेक्ट जब डेवलप किया जाता है तो आउटसाइड भी बहुत सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो जाती हैं, जैसे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं और इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट प्लेस कंडीशन है, गवर्नमेंट्स के मैटर्स है। तो ये सारी चीजें जो है आपके प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड होती हैं, इनका तल्लुक होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की हम बात करें तो बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने डिवेल्प किए हैं, आपको उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिवेल्प करना पड़ेगा। इसका इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आपको अगर किसी भी इंडस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट डिवेल्प कर रहे हैं तो आपको उसकी उनके स्टैंडर्ड्स को सामने रखना पड़ेगा, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है आपको सामने रखनी पड़ेगी। सरा ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या शामिल है, किस किन किन कौन कौन से आपके पास रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट क्या है, आप उसको उसको सामने रखना पड़ेगा। सर मार्केट प्लेस कंडीशन है, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सूरत हाल है आपकी प्रोडक्ट को, वहाँ पे क्या किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको आपके प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उसके साथ ये रिलेट होता है, तो इसलिए इनको भी सामने रखना है। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, खासकर हम मैनेजर की बात करते हैं, तो इन फैक्टर्स को देखना है जब वो प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप कर रहा है, प्रोजेक्ट चार्टर बना रहा है, तो इन चीज़ों को भी सामने रखना है, इन चीजों को भी जगह देनी है, इनको भी सामने रख के प्रोजेक्ट चार्टर को तैयार करना, ये भी प्रोजेक्ट चार्टर में शामिल।
ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स इंक्लूड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान्स है, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, लेसन लर्न एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस अ प्रोजेक्ट सक्सेस। तो सर बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। फॉर्मल है, इनफॉर्मल प्लान है। स्टूडेंट्स फॉर्मल वो है जो प्रूव्ड है, जो आपका तस्दीक शुदा प्लान है, और इनफॉर्मल वो है जो सिर्फ लफ्जी तौर पर बयान है, उसको आपने प्रूफ नहीं किया, उसको तस्दीक नहीं किया गया अभी तक। तो आप पॉलिसीज आपने कोई अप्लाई की नहीं है, कोई आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किए, कोई आपने गाइडलाइंस सामने रखी है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहा है। स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये आपके जहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे काम हो रहा है, बहुत सारे चीजें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपकी डेटा बेसिस हैं, इससे बहुत सारी चीजें साथ इन्वॉल्व होती है, वो आपके इसमें सिस्टम में शामिल है। तो आप फाइनेंशियल सिस्टम है, आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन सी मैनेजमेंट काम करे, किस तरीके से काम, लेसन लर्न आपने पीछे क्या तजर्बा सीखे, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है आपके पहले से प्रोजेक्ट आपने डेवलप किए हुए किस तरीके से बनाए हुए, ये सारी चीजें जो है आपकी, ये भी प्रोजेक्ट की सक्सेस पे काफी असरअंदाज होती है, और इनको भी आपको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स द मेन टूल एंड टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर इज एक्सपर्ट जजमेंट। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसमें जो मेन टूल है, जो मेन आपकी जिस चीज को आप इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि एक्सपर्ट जजमेंट होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स फ्रॉम विद इन एज वेल एज आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी consulted when creating a project charter to make sure it is useful and realistic। आप ध्यान रखो यही कहता है कि सिर्फ आपके पास एक ही टूल है, वो है एक्सपर्ट जजमेंट, और इसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट पीपल लोग होने चाहिए। ये आपकी अपनी कंपनी में से भी हो सकते हैं, या आप बाहर आउटसाइड से भी आप उसको ले सकते हैं, और वो इस चीज को जज करेंगे कि प्रोजेक्ट चार्टर को कैसे बनाना है और उसमें क्या रियलिटी और यूजफुल इंफॉर्मेशन हमने कौन से शामिल करनी है, ये आपके सिर्फ आपको वही चीज बता सकते। इसमें प्रोजेक्ट चार्टर के हिसाब से कुछ चीजों क्या इंफॉर्मेशन आपकी शामिल होनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, हम इन चीजों को यहाँ पे जगह देंगे। द प्रोजेक्ट टाइटल एंड डेट ऑफ ऑथराइजेशन। आप स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बयान करना है, कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एंड डेट ऑफ ऑथराइजेशन, और कब से कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, तो कब ये दी गई है, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करें। इस तरह प्रोजेक्ट नेम एंड कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, अब जिस प्रोजेक्ट मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसका नाम और उसका कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर शामिल की जाए। इस तरह समरी शेड्यूल है, कब कब ये काम होने हैं, इंक्लूडिंग प्लान स्टार्ट फिनिश डेट। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, फिनिश होते हैं, उनके स्टार्ट टाइम क्या है, उनकी फिनिश डेट क्या है, उसकी पूरी एक समरी और आपके माइलस्टोन्स की समरी शेड्यूल जो है वो आपको शामिल करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर शामिल है। मजीद अ समरी ऑफ द प्रोजेक्ट बजट एंड रेफरेंस टू बजटरी डॉक्यूमेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल कितना खर्च आना है, और उसके हिसाब से वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और साथ अगर आपने कोई इसके बजट के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है और वो इस चार्टर में शामिल नहीं है, कहीं और वो है, किसी और फाइल में, किसी और जगह है, तो उसका रेफरेंस जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस मकसद के, किन मकसद के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो आपको शामिल करेंगे। जैसे हमने पीछे भी देखा, इसमें बिजनेस डील्स हैं, या जस्टिफिकेशन फॉर ऑथराइजिंग द प्रोजेक्ट, और फिर एक तो बिजनेस डील्स है जैसे हमने पीछे देखा, और इसी तरह जो ऑथराइजिंग
किसको आपने ऑथराइज किया होगा, क्यों किया है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रोजेक्ट की सक्सेस क्राइटेरिया, किन बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, इसमें आप अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स और किसको आपने साइन ऑफ किया हुआ है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये सारी चीजें जो है इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूरी तफसील जो है आपको अपने प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। The summary of the plan approach for management managing the project, which should describe stakeholders' needs and expectations, important assumptions and constraints, and refer to related documents such as communications management plan and as well. Students, बहुत important है आपको पूरी plan approach for managing the project, उसके लिए मैन प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या अप्रोचेज हैं वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मसलन जैसे स्टेक होल्डर्स की जरूरत क्या है, वो आपसे क्या तवक्कोआत रख के बैठा है, ये चीज आपको सामने रखनी है। इस तरह आपके क्या उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी प्रोजेक्ट बनना है उसके ऊपर रूल्स क्या है, और इस तरह कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है, जब आप पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होंगे तो हायर अथॉरिटी के साथ आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, उसके लिए जो प्लान है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी प्रोजेक्ट इस चार्टर के अंदर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये चीजें जो है स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, असाइन ऑफ सेक्शन फॉर सिग्नेचर ऑफ की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मैट्रिक्स को यूज किया हो, और साइन ऑफ सेक्शन होगा कि किन स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो आपकी सिग्नेचर्स हैं, आपके साइन है, वो चीजें यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे एज एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज को यहाँ पे सामने। सो लास्ट पे आपके कमेंट सेक्शन है, जिसमें आपके स्टेक होल्डर्स जो है वो अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने प्रोवाइड करेंगे, यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने कमेंट्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये चीजें जो है स्टूडेंट्स आपको अपने प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर है, हम इस चीज को देखते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है चार्टर जो है हमारे पास डीएनए प्रोजेक्ट फॉर द डीएनए सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीशन प्रोजेक्ट है। इसके हिसाब से देखते हैं जो चीजें अभी हमने डिस्कस की, तो वो चीजें हमारे सामने है। सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट चार्टर है, सॉरी प्रोजेक्ट चार्टर टाइटल है, इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोजेक्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है। उसके बाद डेट ऑफ ऑथराइजेशन है कि कब से इस प्रोजेक्ट को बनाने की अथॉरिटी ली है, यहाँ पे फरवरी 1 है, और उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट फरवरी 1 से, और प्रोजेक्ट फिनिश डेट नवंबर या कम नवंबर से। तो स्टूडेंट्स ये जैसे आप पीछे पढ़ के आए हैं, ये सारी वही चीज़ें यहाँ पे मैंशन की हुई हैं। मजीद आप देखें यहाँ पे उसके बाद की शेड्यूल माइलस्टोन्स हैं कि हमने जो शेड्यूल बनाया है वो क्या है, तो उसमें आप देखें यार कंप्लीट फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय जून, यकम जून, तो वो कहता है कि पहला जो इस सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो आप यकम जून तक उसको कंप्लीट करें, और कंप्लीट प्रोडक्शन वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय यकम नवंबर, तो हमको कहता है कि आप बताना जो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका प्रोडक्टिवली काम करेगा, आगे कस्टमर्स को दे दिया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, तो वो आपका 1 नवंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह बजट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, द फिल्म हैज एलोकेटेड 1.5 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट, तो यहाँ देखिए उन्होंने इस चीज को मेंशन कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बजट जो है वो अवेलेबल है, एंड मोर फंड्स आर अवेलेबल इफ नीडेड, और उसके लिए अगर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो वो फंड्स जो है वो अवेलेबल है। इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर है निक कॉर्सन्स है, ये उसका नेम है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, और उसका ईमेल एड्रेस है, तो ये भी आपके प्रोजेक्ट चार्टर में शामिल होने चाहिए। इस तरह प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन है कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट्स के, वो आपको रिसीव करेगा। डीएनए सीक्वेंस इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन अंडर वे फॉर 3 ईयर्स, तो 3 साल के लिए जो है इट इज क्रूशियल प्रोजेक्ट फॉर आवर कंपनी, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जरा मुश्किल भी है। दिस इज द फर्स्ट चार्टर फॉर द प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट का पहला चार्टर है, एंड द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर द
इंस्ट्रूमेंट इन फोर्थ मंथ, और पहला जो जो फर्स्ट वर्जन है प्रोजेक्ट का वो अगले 4 माह में हमें कंप्लीट करना है, एंड प्रोजेक्शन वर्जन है इन 9 मंथ, और उसके लिए जो प्रोजेक्शन वर्जन है वो अगले 9 मंथ में उसको कंप्लीट किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव है, इस तरह मेन प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया है, आप प्रोजेक्ट किस तरीके से आपका कामयाब हो सकता है यहाँ पे उन चीज को भी मेंशन किया गया। तो ऐसा आप इसको देखें, ये सारी वो चीजें जो हमने पढ़ी है, अब यहाँ अप्रोचेस भी मेंशन की हुई है, और आगे जाके आप देखें तो यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो किन लोगों ने इसमें काम करना है और उनके रोल्स क्या हैं, उनकी पोजिशन क्या है, उनके कंटेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, जैसे अहमद इब्राहिम है और ये स्पॉन्सर है, सीईओ की पोजीशन पे काम कर रहा है, और यहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस है। निक कार्सन है, इस ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है और इसके मैनेजर के तौर पे ये काम कर रहा है, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ सामने है। सेशन जोसन है, टीम मेंबर है, डीएनए एक्सपर्ट है, और ये इसका ईमेल एड्रेस है। स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मेंशन है। इस तरह साइन ऑफ है, यहाँ पे आप देखें तो हर बंदे के यहाँ पे सिग्नेचर के साथ जिन लोगों ने काम करना है उनके यहाँ पे साइन ऑफ है, और दी एंड पे आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कमेंट्स हैं, ये आपके कमेंट्स जो है वो मोस्टली आपके स्टेक होल्डर्स की तरफ से होते हैं, अगर आप इसको यहाँ पे शामिल करना चाहें तो यहाँ पे वो इसके अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट का चार्टर जो है वो इस चीज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ना आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारा प्रोजेक्ट है, उसको डिवेलप कौन कर रहा है, उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, उसमें बजट क्या है, उसका टाइम शेड्यूल क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या है, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोजेक्ट चार्टर के जरिए से अवेलेबल होगा। स्टूडेंट्स इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।